सब्सक्राइब कीजिए टेक बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एचटीएमएल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसके अंदर हम एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को और एक छोटी सी जो वेब पेज है वो हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले HTML के कोड को लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे तो आप नोटपैड पे यूज कर सकते हैं या आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस हमारा एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमें डाउनलोड करना होता है इंटरनेट से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे इसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। यस पे क्लिक करें, सिंपल इंस्टॉलेशन है। आप डायरेक्ट ओके करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें, जस्ट सिंपल। आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, दैट्स इट। मैं इसे फिनिश पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक न्यू फाइल लेने के बाद मुझे यहाँ पे लैंग्वेज पे आना है और यहाँ पे लैंग्वेज पे एचटीएमएल को क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें दो एंगल ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन साइन लिख के डॉक टाइप स्पेस एचटीएमएल टाइप करना है। इस टैग की हेल्प से क्या होता है कि आपका जो कोड है वो एचटीएमएल 5 को सपोर्ट करता है और ब्राउजर पे जो भी आप एचटीएमएल के कोड को लिखेंगे वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप इस टैग को यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो उससे होगा क्या कि जो भी कोड आप यहाँ पे टाइप करेंगे जो कि एचटीएमएल 5 को सपोर्ट करता है वो कोड आपके ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेयर करना होता है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टैग लगाना है वो लगाना है HTML। इसके बाद मैं यहाँ पे HTML को यहाँ पे क्लोज करूंगा और जितने भी हम कोड लिखेंगे वो सारा का सारा इसी के अंदर। HTML को टैग को लगाने का रीजन ये है कि इस फाइल को अगर जब हम सेव करेंगे तो ब्राउजर इस HTML के टैग से वो समझ पाएगा कि जो ये कोड है वो हमारा HTML को सपोर्ट करता है और इससे ये पता लगेगा ब्राउजर को कि ये जो HTML का कोड है वो HTML 5 का वर्जन को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML टाइप किया, उसके बाद हमने HTML लिखा और यहाँ पे HTML को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर एक टैग लगाएंगे HTML के अंदर जो कि है हेड। हेड टैग जो है वो बेसिकली आपका मेटा टैग या आपके जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करना या आपके सीएसएस के फाइल को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। साथ साथ अब अपने वेब पेज का जो टाइटल है वो भी आपको हेड सेक्शन के अंदर ही देना होता है। जब हम आगे और सीखेंगे तो इसके अंदर हम सारी चीजें जितनी भी हमारी टैग्स हैं वो सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हेड टैग के अंदर जो बेसिकली अभी हम यूज करेंगे वो करेंगे टाइटल टैग को। ध्यान रहे टाइटल टैग आपके हेड सेक्शन के अंदर ही होना चाहिए, यानी जहाँ पे आपका ओपन है और यहाँ पे जो आपका हेड सेक्शन क्लोज है इसी के अंदर आपको टाइटल टैग को देना है। टाइटल मैं जैसे रखता हूँ अपने वेब पेज का टैग बाइट, मैंने ये अपने वेब पेज का टाइटल रख दिया है। मैं यहाँ से टाइटल को क्लोज करूंगा। ध्यान रहे कि आपको टाइटल को क्लोज भी करना है। अगर आप टाइटल को क्लोज नहीं करेंगे तो आप जो भी कोड टाइप करेंगे वो सारा का सारा ब्लैंक होगा, यानी डिस्प्ले नहीं करेगा आपके ब्राउजर पे। वो मैं भी आपको जब प्रैक्टिकल जब मैं फाइल को सेव करूंगा तो मैं वहाँ पे आपको चीज़ें समझा दूंगा अच्छी तरीके से, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हेड सेक्शन के अंदर हमें अपने टाइटल दे दिया मैंने अपने वेब पेज का जो कि टैग फाइल। इसके बाद मैंने हेड सेक्शन जहाँ पे आपका हेड सेक्शन क्लोज होता है उसके बाद आपको टाइप करना है बॉडी टैग को स्टार्ट करना है। बॉडी टैग को स्टार्ट करने के बाद और मैंने यहाँ पे HTML से पहले आपका जो बॉडी टैग है वो मैं यहाँ पे उसको क्लोज कर देता हूँ और जो भी कंटेंट आप बॉडी के अंदर टाइप करेंगे वो ही सारा का सारा आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। यानी आपके बॉडी टैग जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है और ये जो क्लोज होता है इसके अंदर ही आपको सारा का सारा जो है टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और फाइल को सेव करने के बाद जो मैंने ये टाइटल जो टैग बाइट दिया वो मैं आपका आउटपुट को शो कराता हूँ। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे एक वेबसाइट का नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है
उस फोल्डर के अंदर मैंने एक पहले से एक फाइल बनाई हुई है, तो मैं दूसरा फाइल देता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं test.html, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ध्यान दें कि आपको फाइल के नाम के साथ .html जरूर देना है, अगर आप ये HTML नहीं देंगे तो आपका ये जो है HTML की फाइल काम नहीं करेगी। तो आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो साथ में .html देना जरूरी है। मैं ऐसे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं इस पेज ये वाली फाइल को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने अभी ये देखिए टेस्ट नाम का HTML का फाइल बनाया। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। गूगल पे क्रोम पे क्लिक, हम देख सकते हैं कि आप मेरी जो मेरा वेबटॉप ब्राउजर के जो है उसके अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइप ही नहीं किया है। लेकिन आप देख सकते हो जो उसका टाइटल है वो टैग बाइट शो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके जो नोट पैड के अंदर जो मैंने ये जो टैग बाइट जो टाइटल दिया है यही जो है वो आपका डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल को यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ xyz.com, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउजर पे आने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं xyz.com जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप टाइटल जो भी रखना चाहते हैं अपने वेब पेज का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस टैग बाइट ही दे देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ, वापस ब्राउजर पे आता हूँ, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोबारा टैग बाइट आ गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ और टैग टाइप करता हूँ जिसके थ्रू कि मेरा ये जो डिस्प्ले जो ब्लैंक है ये कुछ यहाँ पे दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी सेक्शन के अंदर आता हूँ। बॉडी सेक्शन के अंदर मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ लेता हूँ। तो पैराग्राफ लेने के लिए आपको पी टैग का यूज करना होता है। पी टैग जो है आपका पैराग्राफ को डिक्लेयर करता है। तो मैं एक पैराग्राफ जो ले लेता हूँ, तो मैं गूगल पे आने के बाद मैं एक लोरियम इप्सम करके एक साइट है, यहाँ पे आप कुछ डमी टैक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से कुछ डमी टैक्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये टैक्स जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैग है पी टैग के अंदर, यहाँ पे पी टैग मैंने ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, और इसके अंदर मैंने ये सारा का सारा टेक्स्ट टाइप किया है। तो ये पी टैग जो है वो डिक्लेयर करता है कि जो अपने टाइप के पैराग्राफ, यानी जब भी आप कोई ब्राउजर के अंदर कोई पैराग्राफ टाइप करेंगे वो पी टैग के अंदर ही आपको टाइप करना है। यानी आपको पी टैग स्टार्ट करना है, उसके अंदर पैराग्राफ को लिखना है, और उसके बाद जहाँ पे आपको पैराग्राफ को क्लोज करना है वहाँ पे पी को क्लोज करना है। इसके बाद मैं फाइल को यहाँ सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं सॉरी फाइल को मैं सेव करता हूँ, और इसके बाद मैं इसका आउटपुट दोबारा चेक करता हूँ। मैं ऐसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टाइप हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ और, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और टाइप करता हूँ, तो उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद एंटर एंटर कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, उसका सेव करता हूँ, मैं वापिस जाता हूँ, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो पैराग्राफ आ चुका है। तो जितने भी पैराग्राफ आपको यहाँ पे टाइप करना है आपको पी टैग के अंदर ही सारा का सारा लिखना है। मैं ब्राउजर पे आने के बाद मैं कोई उसी साइट पे वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर जो पहला जो कुछ दो वर्ड है लोरियम इप्सम, ये बोल्ड कैरेक्टर में दिया हुआ है। तो मुझे अगर इसको भी अगर अपने ब्राउजर के अंदर इसको अगर मुझे बोल्ड करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए मैं वापस अपने नोटपैड पर प्लस पे आता हूँ, और ये जो लोरियम इप्सम है मुझे इतने से टेक्स्ट के अंदर मुझे बोल्ड ऑप्शन देना है। तो मैं यहाँ पे बी पे क्लिक कर टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं बी टैग को क्लोज करूंगा। बी टैग रिप्रेजेंट करता है बोल्ड करने के लिए, जहां पे भी आपको बोल्ड करना है आप वहां पे बी टाइप कर दीजिए, और जहां तक आपको चाहिए होता है वहां से उसके लास्ट कैरेक्टर के बाद आपको बी को क्लोज कर देना है। तो जो मेरा ये टेक्स्ट है लोरी वेबसम, ये टेक्स्ट जो है मेरा बोल्ड शो करेगा। मैं देखता हूँ, सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए तो देख सकते हैं कि मेरा जो ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। अगर मुझे मान लीजिए जो मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ है मुझे यहाँ से लेके ये पहली जो फुल स्टॉप तक इंडस्ट्री तक मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे नोटपैड प्लस प्लस पे आना है, और ये जो दूसरा जो पैराग्राफ है यहाँ पे मुझे बी टैग को ओपन करना है, और उसके बाद जो ये इंडस्ट्री आ रहा है यहाँ पे बी टैग को क्लोज करना है।
तो मेरा जो बोर्ड जो होगा वो यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही टैग होगा। तो इसीलिए हम ओपन यहाँ पे जो भी टैग हम ओपन करते हैं और जहाँ पे हम टैग को क्लोज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वहीं तक सीमित रहता है। इसको मैं सेव करता हूँ, वापिस जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इतना टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए मुझे कुछ एक हेडिंग देनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेडिंग दिया हुआ है। तो मुझे अगर हेडिंग देना हो इस सबसे ऊपर तो मैं कैसे दूंगा, तो इसके लिए मुझे एक टैग यूज करना होगा हेडिंग का। तो मुझे इस पैराग्राफ से ऊपर देना है तो मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ से ऊपर टैग को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा H1 टैग। H1 टैग जो होता है एक आपका हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उस टैग को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट इज लोरियम इप्सम जो है मैं इसको कॉपी किया और इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आके इस हेडिंग सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे H1 को क्लोज करता हूँ। H1 को जो भी ध्यान रहे कि जो भी टैग आप यूज करें उसको क्लोज करना जरूरी है। अगर मैं टैग को क्लोज नहीं करता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे H1 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और मैंने यहाँ पे ओपन करना भूल गया, तो इससे क्या होगा जब मैं इस फाइल को सेव करके जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है उस सारा का सारा हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टैग है वो आपका काम सही से नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे H1 टैग क्लोज करना है, जहां पे आपको इफेक्ट देना है जहां तक वहां तक आपको टैग को क्लोज करना है। इसके बाद मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं ये मेरा हेडिंग आ गया है। हेडिंग के टोटल आपके 6 फॉर्मेट हैं, जैसे H1 है, उसके बाद H2 अगर आप देख सकते हैं, H2 आपका इससे जो साइज होगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। H2 सेव, मैं इसका आउटपुट शो कराता हूँ आपको। F5 देखिए इससे छोटा हो गया। तो टोटल ये आपके H1 से लेके H6 तक आपका जो है फॉर्मेट यूज कर सकते हो आप, यानी H2, H3 या H4 जो भी टैग आप यहाँ पे दे रहे हो वही आपका यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो जैसे मैं H4 को यूज करता हूँ तो H4 का मैं साइज दिखा देता हूँ क्या होता है। H4 सेव, जस्ट मैं इसको वापस क्रोम पे चलता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग जो भी टैग आप यूज करना चाहते हैं हेडिंग का वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग का जो यूज है 2 करना चाहूंगा, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। सेव, जस्ट क्लिक, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा आउटपुट वेब पेज का। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग एचटीएमएल के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और एक हमने छोटी सी एक एचटीएमएल की फाइल बनाई। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आने वाले और टैग्स को देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।